Hello, hi, welcome to my channel, right times. Hmm. Hello, hi, welcome to my channel, right times. <coughs> टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर का टॉपिक स्टार्ट होगा आते हैं सत्ताईस अक्टूबर का जो हमारा करेंट अफेयर है हाँ, सत्ताईस अक्टूबर का करेंट अफेयर फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है कि धनी धनी देशों में ओ सी डी ओ सी डी देशों में नागरिकता चाहने वाले चाहने वाले की सूची में किस देश की नागरिक शीर्ष पर है तो हमारा भारत शीर्ष पर है भारत में 2021 में आर्थिक सहयोग और संगठन विकास ओ सी हाँ देश में नए और प्रवासियों की उत्पत्ति के निवेश में, उत्पत्ति के देश के रूप में अपना निवेश रूप में अपना शीर्ष स्थान प्रकार रखा है ओ सी डी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट कौन सा रिपोर्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 के अनुसार वर्ष 2021 और 2022 में चीन को पछाड़ के ओ देश में प्रवास प्राथमिक स्रोत बन गया है दोनों वर्ष में 0.41 मिलियन नए प्रवासियों की सूची भारत में सूची शीर्ष पर रहा है जबकि चीन में जीरो मिलियन नए प्रवासी रहे हैं है। इसकी कब हुई थी 1961 में हुई थी पेरिस फ्रांस मुख्यालय स्थापना की गई है इसमें कुल देशों की संख्या कितना है 38 सदस्य देश है देशी में शामिल होने वाले सबसे हालिया देश 2020 में कोलंबिया है और 2021 में मई 2021 में कोस्टेरिका थे आगे क्वेश्चन आते हैं कि हाल ही में सैन्य संगठन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार दिया गया तो उधमपुर स्टेशन को दिया गया उधमपुर सैन्य स्टेशन जम्मू कश्मीर में स्थित है और दूसरा सर्वेष्ठ पुरस्कार देहरादून मिलिट्री स्टेशन को मिला है बीकानेर मिलिट्री स्टेशन सर्वेष्ठ परिवर्तन परिवर्तनकारी स्टेशन है सैन्य कमांडर को यह सम्मेलन 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया उधमपुर सैन्य स्टेशन के कमांडर के सम्मेलन का प्रमुख जनरल मनोज पांडे थे बेस्ट ग्रीन मिलिट्री अवार्ड से नवाजा गया है आगे आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे उद्घाटन किया तो आंसर है गोंडा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले में उत्तर प्रदेश के मिशन शक्ति कैफे मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया इसका संचालन क्या है पौष्टिक भोजन प्रदान करना स्वयं सहायता समूह के लिए स्कूल कॉलेज में मिशन शक्ति कैफे की स्थापना की जाएगी आगे ऑप्शन क्वेश्चन है चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन के रूप च, रूप में औपचारिक रूप से किसे शामिल किया गया तो राजकुमार राव को शामिल किया गया राजकुमार राव को शामिल किया गया किसको शामिल किया गया तो राजकुमार राव को शामिल किया गया अगला क्वेश्चन है <coughs> पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन अनुसंधान संस्थान किस शहर में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोकस की मेजबानी कर रहा है तो आंसर है देहरादून आंसर क्या है देहरादून में हाँ आंसर क्या है देहरादून है आंसर क्या है, देहरा है। क्या आपका देहरादून है छब्बीस हाँ। से 28 अक्टूबर आगे क्वेश्चन है नीलाऊ कुचीदा कुदीजा नीलाजा सिंघल शीर्षक आत्मकथा किसका है एस सोमनाथ का है किनका है एस सोमनाथ का है किनका है एस सोमनाथ का है नीरज यादव जो अभी गोल्ड मेडल लिस्ट हुए थे चीन के हांगजू हांग में आयोजित एशिया पैरा ओलंपिक में नीरज यादव किस खेल से है डिक्स थ्रो किस खेल से है दिस, थ्रो नीरज यादव किस खेल से डिक्स थ्रो नीरज यादव किस खेल डिक्स थ्रो पैंसठ के जी प्रतिस्पर्धा में है। एफ पचपन छप्पन में नीरज यादव को स्वर्ण पदक मिला है चौवन पचपन छप्पन आगे क्वेश्चन है वर्ल्ड पोलियो डे वर्ल्ड पोलियो डे कब है 24 अक्टूबर वर्ल्ड पोलियो डे 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 24 अक्टूबर भारत में भारत बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान हामून किस देश के नाम द्वारा लिखा गया ईरान तो किस देश हाँ के हाँ मुनकुन है ईरान अगले क्वेश्चन विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने है तो गिलेन मैक्सवेल गनडे गिलेन, मैच में किन का है गिलेन मैक्सवेल का है और नीदरलैंड के खिलाफ है नौ चौके आठ मारे, लगातार मारे थे अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला सरस आजीविका मेला 2023 सरस आजीविका मेला 2023 कहां आयोजन किया गुर में कहां आयोजन किया गुरगांव में कहां आयोजन किया गुर में आगे क्वेश्चन है भारतीय महिला क्रिकेट का नया कोच किसने है अमोग मजुमदार अमोग मजुमदार हाँ भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट के कोच कौन है अमोग अमोल वजूमदार हैं धनी देशों की सूची में एक बार फिर भारत का स्थान है हाल ही में बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन उधमपुर है दूसरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से किस मिशन शक्ति गोंडा में है चुनाव आयोग राजकुमार राव को दिया गया है पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम देहरादून अगला क्वेश्चन है निवालू कुदीजा सिंगलम एस सोमनाथ में है हांगजू चीन में पैरा ओलंपिक थ्रो में है पोलियो पोलियो दिवस चौबीस अक्टूबर में है बंगाल की खाड़ी में तूफान हामून ईरान का है इसके बाद वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी गेलन मैक्सवेल का है सरस आजीविका मेला 2023 गुरुग्राम का है भारतीय महिला टीम कोच नया कोच अमोघ मजूमदार का है फिर अगले दिन जो है 26 अक्टूबर भारत और मलेशिया सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय द्विपक्षीय अभ्यास हरिमाऊ शक्ति हरीमाऊ शक्ति हुआ था हरिमाऊ शक्ति शक्ति कहाँ पर हुआ था उमरोई मेघालय में कहाँ पर उमरोई मेघालय में उमरोई मेघालय में हुआ था कब हुआ था तो पांच नवंबर तक जारी रहेगा कब से हरे मयू शक्ति कौन है भारत मलेशिया हरे मयू शक्ति कौन है भारत मलेशिया कब से स्टार्ट है तेईस अक्टूबर से पांच नवंबर तेईस अक्टूबर से पांच नवंबर भारत के राजपूत रेजिमेंट है आगे क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशन हवार्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया तो इसका आंसर है डी 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 चंद्रचूर यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023 अपने फॉर्मूला वन करियर में 50वां एफन जीता मैक्स वेरेस, वेरेस पेटन मैक्स वेस्ट पेटन ने जीता अगला क्वेश्चन है भार, भारत टेक्स्ट 2024 भारत टेक्स्ट 2024 का आयोजन 26 फरवरी से 29 फरवरी 2024 हजार चौबीस हुआ नई दिल्ली में किया गया इसका आयोजन 11 कपड़ा संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों के द्वारा किया गया भारत टैक्स 2024 का लक्ष्य भारत में कपड़ा उद्योग के भीतर एक परिपक्व प्रतिस्पर्धा वैश्विक सोर्सिंग गंतव्य के रूप में स्थापित करना है चालीस देशों के एक हजार से अधिक प्रदर्शक और तीस हजार से अधिक आगुंतक ने भाग लिया हाल ही में कैबिनेट ने एक पायलट परियोजना कार्यक्रम तहत भारतीय और अन्य भारत और अन्य देशों के नागरिकों को मुफ्त पर्यटन वीजा देने का मंजूरी दी तो श्रीलंका श्रीलंका है कौन सा है श्रीलंका है श्रीलंका है श्रीलंका है अगला क्वेश्चन रहेगा चौबीस से पच्चीस अक्टूबर 2023, 24 चौबीस से पच्चीस अक्टूबर 2023 फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनोवेशन किस संस्था के द्वारा हुआ तो रियाद कहां पर रियाद में, रियाद में में अगला क्वेश्चन है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज शुभम गिल है शुभम गिल है अगला क्वेश्चन केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्व के पहले नैनो डीएपी तरल संयंत्र नैनो डीएपी तरल संयंत्र उद्घाटन किया पर गुजरात में पर गुजरात में किया, गुजरात में किया? गुजरात में किया? गुजरात में किया? अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र कौन सा कथन सही है संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल पच्चीस अक्टूबर बात सही है यह स्थापना पच्चीस उन्नीस सौ पैंतालीस राष्ट्र निर्माण के लिए चिन्हित किया नहीं पच्चीस अक्टूबर ने चौबीस अक्टूबर चौबीस अक्टूबर को मनाया गया था चौबीस अक्टूबर उन्नीस सौ पैंतालीस को संयुक्त राष्ट्र के निर्माण में चिन्हित करने के लिए मनाया गया था हाँ राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के निर्माण को चिन्हित करने के चीन फ्रांस सोवियत संघ यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश अन्य हस्तक्षरकर्ताओं द्वारा चार्टर की मंजूरी दी गई आगे क्वेश्चन है एंटोनियो गुटेरस वर्तमान महासचिव एशियन पेरा गेम्स 2023 चीन हांगजोंग में शुरू हुआ उद्घाटन समारोह भारत के और से ध्वज कौन थे ए और बी दोनों अमित सरो और पारुल और कौन थे पारुल अमित सरूल और पायल अमूल और पाया दोनों थे अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर गोवा में शुरू हुआ ये कौन सा खेल था सैतीसवां सैतीसवां था सैतीसवां खेल था 26 अक्टूबर से गोवा में शुरू हुआ किस राज्य ने संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय प्रौद्योगिक पदक पुरस्कार जीता तो अशोक गाडगिल ने जीता अशोक गाडगिल ने जीता हाँ संयुक्त राज्य अमेरिका का अशोक गाडगिल ने जीता अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारतीय सेना विरासत महोत्सव के पहला संस्करण नई दिल्ली में नई दिल्ली में नई दिल्ली में रखा गया हाँ सैन्य विरासत नई दिल्ली में একবার ফির রিভিজন फिर एक बार फिर क्विक रिविजन के लिए ये टॉपिक लिए है फिर से भारत और मलेशिया सेना के बीच संयुक्त हरिमाऊ शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ उमरोई मेघालय में हुआ किसी व्यक्ति की सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशन हवार्ड लॉ वैश्विक नैतिक पुरस्कार सम्मानित किया गया डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा अगला है यूएस ग्रांड प्रिक्स 2023 हज़ार तेईस फार्मूला वन कैरियर का पचासवां एफ वन जीता किसने मैक्स वेरेस्टन ने भारत टेक्स्ट 2024 का आयोजन 26 से 29 फरवरी कहाँ आयोजित किया गया कहाँ आयोजित किया गया नई दिल्ली में अगला क्वेश्चन है भारत ने पायलट कार्यक्रम वीजा के लिए अन्य छह देशों में नागर मुफ्त वीजा के लिए कहाँ पर श्रीलंका में 24 से 25 अक्टूबर 2000 तक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनोवेशन पहला पहल किस संस्था के द्वारा किया गया तो आंसर है रियाद वन डे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले क्रिकेट बल्लेबाज शुभम गिल हैं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 20 के पहले नैनो डीएपी संयंत्र उद्घाटन कहाँ हुआ गुजरात में हुआ अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र हर साल मनाया जाता है चौबीस अक्टूबर को एशिया पैरा ओलंपिक 2023 चीन के हांगजू में शुरू हुआ उद्घाटन समारोह भारत के ध्वजवाहक अमित सरोह और पारुल परमार दोनों थे राष्ट्रीय खेल का कौन सा संस्करण छब्बीस अक्टूबर को गोवा में शुरू हुआ सैतीसवा निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय औद्योगिक पुरस्कार प्रदान हुआ अशोक गाडगिल का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत के किस सैन्य विरासत समारोह में पहले संस्कृत का उद्घाटन किया नई दिल्ली में आगे टॉपिक लेते हैं पच्चीस अक्टूबर का है अठारह अक्टूबर को किस शहर में अठारह अक्टूबर को किस शहर में लोगों को प्रदूषणकारी औद्योगिक तत्व को नजर रखने के लिए आग्रह करने के लिए एक महीने के औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान चलाया गया तो नहीं दिल्ली में चलाया गया आगे क्वेश्चन है बीस अक्टूबर से बीस नवंबर तक चलेगा केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में देश बगानों के तहत अधिक क्षेत्र को कड़वा करने की योजना बना रही है पॉम आयल, पाम ऑयल से अधिक क्षेत्र के आयोजन कर रही है खाद्य तेल है पाम ऑयल छह राज्यों में यह है अरुणाचल प्रदेश एक असम दो मणिपुर तीन मिजोरम चार नागालैंड पांच त्रिपुरा में लागू किया जा रहा है अगला क्वेश्चन है भारत के किसे स्थिरता रिपोर्टिंग के योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया तो इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर ऑफ अकाउंट इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट ऑफ इंडिया दिया गया भारत का सरकार का लक्ष्य 2024 में भारत कंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापना कराना है हाँ तो ये कहाँ पर है सेमी कंडक्टर ऐसे गुजरात में किया गया है अब देखते हैं इसमें क्या है हम 2024 में भारत सरकार द्वारा कंडक्टर की स्थापना करना अगला क्वेश्चन है 21 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पुलिस स्मृति दिवस शहीदों को श्रद्धांजलि दी पीएम मोदी को ने देश को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक समर्पित है पुलिस स्मृति 2018 हजार स्मृति 2018 पुलिस स्मृति 2018 हर साल कब बनाया जाता है 21 अक्टूबर को बनाया जाता है अगला क्वेश्चन है यूरोपीय उद्योग ईसी यूरोपीय उद्योग ईसी डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत कौन सी नोटिस जारी की मेटा और ट्विटर 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 मेटा और टिकटॉक मेटा और टिकटॉक मेटा और मेटा और टिकटॉक मेटा और टिकटॉक को चालू की अगला अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 महिला एकल किताब को उन्नति हुड्डा उन्नति हुड्डा हुड्डा को जीता उन्नति हुड्डा को जीता हुड्डा हुड्डा को को जीता, जीता। अगला क्वेश्चन है सैतीसवें राष्ट्रीय खेल का पहला स्वर्ण किस राज्य की महिला बैडमिंटन ने जीता तो असम राज्य की महिला बैडमिंटन थी हाँ। और कर्नाटक ने पुरुष में जीता कर्नाटक में किसने जीता पुरुष में जीता आगे आते हैं सैंतीसवां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया तो गोवा में किया गया और इस बार राष्ट्रीय खेल में कितने खेल शामिल किए 43 खेल राष्ट्रीय खेल का पिछला आयोजन कहाँ हुआ था राष्ट्रीय खेल सैंतीसवें में का गुजरात में पुरुष टीम का फाइनल कभी संघर्षपूर्ण रहा आगे क्वेश्चन है एशिया पैरा ओलंपिक 2022 में पुरुष के हाई जंप टी सिक्सटी इवेंट में स्वर्ण पदक जीता शैलेश कुमार ने जीता आगे है, राजस्थान रॉयल ने सहायक कोच के रूप में किसे नियुक्त किया सेन वोट सेन वोट को नियुक्त किया गया सेन वोट को नियुक्त किया गया राजस्थान रॉयल सहायक कोच अगला क्वेश्चन है 18 अक्टूबर का किस शहर में प्रदूषणकारी औद्योगिक तत्वों की नजर रखने का आग्रह किया गया तो नई दिल्ली है केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्य में बगानों के लिए कौन सा है पॉम आयल स्थिरता रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट ऑफ इंडिया है भारत सरकार का लक्ष्य 2024 तक है सरकार का लक्ष्य 2024 तक है 21 अक्टूबर केंद्रीय गृह मंत्री पुलिस स्मृति 2018 है यूरोपीय संघ ई और ई के तहत कौन है मेटा और मेटा और टिकटॉक है अबूधाबी मास्टर बैडमिंटनशिप दो महिला एकल किताब किस खिलाड़ी ने जीता उन्नति हुडा ने जीता सैतीसवें राष्ट्रीय खेल असम के द्वारा है सैतीसवें राष्ट्रीय खेल असम के द्वारा एशिया पेरा ओलंपिक गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप टी ट्वेंटी इवेंट स्वर्ण पदक शैलेश कुमार हैं राजस्थान रॉयल किसी सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया सेन वार्ड है सेन वार्ड, है। सेन वार्ड

ईस अक्टूबर का करंट अफेयर है कौन सा देश औ पत विद्युत चुंबकीय रेल गन लॉन्च किया गया तो आंसर है जापान है आगे क्वेश्चन है इसरो ने गगनयान की पहली उड़ान परीक्षण टी वी डी आई मिशन सफलतापूर्वक गगनयान टी वी डी आई मिशन टी वी डी आई मिशन लॉन्च किया गया कहाँ से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया अंतरिक्ष में भेजने के सफलता बंगाल की खाड़ी में उतार लिया गया गगनयान दृष्टिकोण तीन सदस्यों में एक दल तीन दिवसीय मिशन के लिए चार सौ किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करके भारतीय जल में उतार के उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस उड़ान की क्षमता का प्रदर्शन किया गया आगे आते हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा किसके साथ कश्मीर में विस्टार ड्रोम ट्रेन सेवाओं को शुभारंभ किया तो बेसब बैसव विस्टार ड्रोम ट्रेन सेवा अश्विनी बैसव हाल ही में आपदा प्रबंधन गोल्डन पिकक अवार्ड पिकक पुरस्कार आई आर ई सी ई आर सी लिमिटेड गोल्डन पिक आर ई सी लिमिटेड है अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज छब्बीस हजार रन बनाने वाला क्रिकेटर विराट कोहली है दो हजार तेईस के सत्तरवें मैच में कोहली ने सतहत्तर रन बनाते हुए यह उपलब्धि हासिल की अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन देश के धोरडो गांव में सर्वेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया इसका आंसर गुजरात है अगला क्वेश्चन है ए बी बी एफ एफ आई ए फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप 2000 सीजन टेन की मेजबानी हैदराबाद और संघाई दोनों देश में हुआ हैदराबाद और संघाई दोनों देशों में किया देश गया हैदराबाद और शंघाई दोनों देशों में किया गया अगला क्वेश्चन है आपके पास न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मिर्दुल ने किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली तो सिद्धार्थ मिर्दुल ने मिर्दुल मणिपुर मिर्दुल मणिपुर मनी, मिर्दुल मणिपुर मिर्दुल मणिपुर मृदुल मिर्दुल मणिपुर अगला क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा मंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति एन ई एक राष्ट्र एक छात्र एक आईडी एक राष्ट्र एक छात्र एक आईडी की अवधारणा दी हाँ एक छात्र एक आईडी की अवधारणा दी तो अपार आईडी कौन सा है अपार आईडी कौन सा है अपार आईडी अपार आईडी डी हाँ आई की एन है जो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के लिए है भारत में छात्रों के लिए एक डिजिटल पहचान है अपार आईडी जिसे एडू लॉकर के नाम से जाना जाता है जिसे किसके नाम से जानता है एडू लॉकर किस राज्य ने सरकारी बैंक बैंक में सपनों का संचय जमा लिक्विड कहां पर है तो हिमाचल प्रदेश में सत्रह अक्टूबर दो हजार तेईस बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कहां पर किया गया मिलन 2024 मिलन 2024 मिलन 2024 में किया गया उत्तर पूर्व के कौन सा राज्य दो दिवसीय एंथोरियम महोत्सव बनाते हुए तो मिजोरम कहाँ से मिजोरम कहाँ से मिजोरम अगला क्वेश्चन है किस देश ने औ औ तटीय बोत विद्युत चंबकीय रेलगन लॉन्च किया गया तो जापान में पहला देश बन गया जापान इसरो ने गगनयान मिशन परीक्षण टी वी डी आई उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कश्मीर के विस्टोडम अश्विनी वैष्णव हाल ही में आपदा प्रबंधन गोल्डन पिकक तो आर सी लिमिटेड छब्बीस हजार रन विराट कोहली बीस पर्यटन धड़ गुजरात में है ए बी बी एफ वन फार्मूला हैदराबाद और शंघाई में है न्यायमूर्ति मिर्दुल मणिपुर में है एन ई पी अपार आई डी किस राज्य ने सपनों का संचय जमा लिक्विड हिमाचल प्रदेश सत्रह अक्टूबर दो मिलन के लिए मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया उत्तर पूर्व कौन सा राज्य दो दिवसीय एंथियो महोत्सव मिजोरम है आज के लिए इतना ही आगे कंटिन्यू करेंगे 16 से 21 अक्टूबर बीच में ही कर लेंगे